हेलो फ्रेंड्स, सर्कल एंड स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे 2021 के सभी अंतरिक्ष मिशन, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। तो यहाँ से एग्जाम पूछा जा सकता है। अब कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखना, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए विजिट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को वहाँ रखें, ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए और आप सबसे पहले वीडियो देख पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर करें फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पर। तो पहला क्वेश्चन है, नासा का हाल ही में स्फेयर एक्स मिशन किससे संबंधित है? राइट आंसर है आकाश गंगा एवं ब्रह्मांड निर्माण प्रक्रिया से। देखिए, नासा का हाल ही में स्फेयर एक्स मिशन संबंधित है आकाश गंगा एवं ब्रह्मांड निर्माण प्रक्रिया से। अगला प्रश्न है, हायाबुसा 2 अंतरिक्षयान किस देश से संबंधित है? राइट आंसर है जापान से। देखिए, हायाबुसा 2 अंतरिक्षयान जापान देश से संबंधित है। हायाबुसा 2 अंतरिक्षयान ने क्षुद्र ग्रह राइगु के मृदा नमूनों और डेटा को एकत्रित किया है। अगला प्रश्न है, 18 फरवरी 2021 को नासा का मार्स 2020 मिशन मंगल ग्रह के किस क्रेटर पर लैंड किया? राइट आंसर है जेजोरा क्रेटर पर। देखिए, 18 फरवरी 2021 को नासा का मार्स 2020 मिशन मंगल ग्रह के जेजोरा क्रेटर पर उतरा। मार्स 2020 मिशन के रोवर का नाम परसीवरेंस है, रॉकेट का नाम है एटलस B541। अगला प्रश्न है, 10 फरवरी 2021 को चीन का मार्स मिशन मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा, मिशन का नाम क्या नाम है? राइट आंसर है तियान वेन 1। देखिए, 10 फरवरी 2021 को चीन ने मार्स मिशन पर मंगल ग्रह पर अपना एक मिशन, जो कि तियान वेन के नाम से जाना जाता है, भेजा था। चीन ने मंगल ग्रह के लिए अपने मिशन तियान वेन 1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। 10 फरवरी को मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा, रॉकेट का नाम था लॉन्ग मार्च 5Y4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 फरवरी 2021 को सऊदी अरब अमीरात का मार्स मिशन मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा, मिशन का नाम क्या है? राइट आंसर होप मिशन। सऊदी अरब अमीरात ने मंगल ग्रह के लिए अपने पहले मिशन होप मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। 9 फरवरी को मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा, रॉकेट का नाम था H2O। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की स्पेस एजेंसी ने किस देश का अमेजोनिया 1 उपग्रह लॉन्च किया है? राइट आंसर है ब्राजील देश ने। देखिए, हाल ही में भारत की स्पेस एजेंसी ने ब्राजीलिया देश का अमेजोनिया 1 उपग्रह लॉन्च किया है। इसरो PSLV C51 लॉन्चेज ब्राजील अजमेनिया 1 सैटेलाइट, रॉकेट का नाम था PSLV C51। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की स्पेस एजेंसी ने सनराइज मिशन की घोषणा की है? राइट आंसर है अमेरिका देश ने। देखिए, हाल ही में अमेरिका देश ने स्पेस एजेंसी ने सनराइज मिशन की घोषणा की है। इस मिशन को नासा ने 1 जुलाई 2023 को शुरू करने की संभावना जताई थी। इस मिशन का उद्देश्य सूर्य की उत्पत्ति तथा बृहद सौर कर्ण तूफान का अध्ययन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश चंद्र मिशन के लिए बेयर सीट 2 मिशन की योजना बना रहा है? राइट आंसर है इजराइल देश। देखिए, इजराइल देश ने हाल ही में चंद्र मिशन के लिए बेयर सीट 2 मिशन की योजना बना रहा है। बेयर सीट 2 मिशन इजराइल देश वर्ष 2024 में चंद्रमा पर उतारने की तैयारी कर रहा है। इजराइल के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू है। अगला प्रश्न, वर्ष 2022 में भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? राइट आंसर है गगनयान। देखिए, वर्ष 2022 में भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन का नाम है गगनयान। भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान को वर्ष 2022 या उसके पहले प्रक्षेपित करने की घोषणा की है। गगनयान का प्रक्षेपण इसरो के GSLV Mark III प्रक्षेपण वाहन से किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो मानव मिशन के लिए विश्व स्तरीय मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना कहाँ करेगा? राइट आंसर है चल केरे में। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष इसरो जो है मानव मिशन के लिए विश्व स्तरीय स्तर पर मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना चल केरे में करेगा। चल केरे कहाँ है? तो यह चित्रदुर्ग में है।
भारतीय अनुसंधान संगठन मानव मिशन के लिए कर्नाटक स्थित चलकेरे चित्रदुर्ग में विश्व स्तरीय मानव अंतरिक्ष उड़ान की स्थापना करेगा। अगला प्रश्न है, नासा का आर्टेमिस मिशन किससे संबंधित है? राइट आंसर है चंद्रमा से। देखिए, नासा का आर्टेमिस मिशन चंद्रमा से संबंधित है। नासा का आर्टेमिस मिशन चंद्रमा से संबंधित है। नासा चंद्रमा पर वर्ष 2024 तक पहली महिला अंतरिक्ष यात्री भेजने की तैयारी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कटिक के जलवायु व पर्यावरण पर नज़र रखने के लिए किस देश ने आर्कटिक का एम सैटेलाइट लॉन्च किया है? राइट आंसर है रूस देश ने। देखिए, आर्कटिक के जलवायु व पर्यावरण पर नज़र रखने के लिए रूस देश ने आर्कटिक का एम सैटेलाइट लॉन्च किया है। आर्कटिक के जलवायु व पर्यावरण पर नज़र रखने के लिए रूस ने 1 मार्च 2021 को आर्कटिक का एम सैटेलाइट लॉन्च किया। रॉकेट का नाम था सोयूज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का पहला देश कौन सा बना है जिसने मंगल ग्रह का ऑडियो पृथ्वी पर भेजा है? राइट आंसर है अमेरिका। देखिए, विश्व का पहला देश अमेरिका बना है जो मंगल ग्रह का ऑडियो पृथ्वी पर भेजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के रोवर का नाम क्या है जो हाल ही में मंगल ग्रह पर पहुंचा? राइट आंसर है पर्सिवरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने रोबोट कार टाइगर X1 लॉन्च की है? राइट आंसर है हुंडई। देखिए, हाल ही में हुंडई कंपनी ने रोबोट नाम का एक टाइगर X1 लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली लकड़ी से बनी सैटेलाइट अंतरिक्ष में कौन सा देश भेजने जा रहा है? राइट आंसर है जापान। अगला प्रश्न है, भारत के किस पड़ोसी देश ने फतह-1 रॉकेट लॉन्च किया है? राइट आंसर है पाकिस्तान। देखिए, भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान ने हाल ही में फतह-1 रॉकेट लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के इमरान खान और राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। फतह-1 रॉकेट जो कि पाकिस्तान देश ने लॉन्च किया है अभी हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गगनयान मिशन 2022 मिशन डायरेक्टर कौन है? राइट आंसर है ललिता अंबिका। देखिए, गगनयान मिशन 2022 में मिशन डायरेक्टर हैं ललिता अंबिका। गगन मिशन 2022 मिशन डायरेक्टर ललिता अंबिका हैं। रॉकेट का नाम है GSLV Mark 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेसएक्स का पहला ऑल सिविल ऑर्बिटल फ्लाइट मिशन का नाम क्या रखा गया है? राइट आंसर है Inspiration 4.0। अमेरिका निजी एयरोस्पेस कंपनी स्पेसएक्स ने घोषणा की है कि वह 2021 के अंत में अपना पहला ऑल सिविल ऑर्बिटल फ्लाइट लॉन्च करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्पेस कंपनी ने एक ही प्रयास में विश्व में अब तक के सबसे अधिक 143 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया? राइट आंसर है स्पेस एक्स। जनवरी 2021 को अमेरिकी निजी अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स ने एक ही प्रयास में विश्व में अब तक के सबसे अधिक 143 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया। स्पेस एक्स ने प्रक्षेपण अपने 2 चरणों वाले फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से संपन्न किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने यावगान 33 उपग्रह को प्रक्षेपित किया है? राइट आंसर है चीन देश ने। देखिए, हाल ही में चीन देश ने यावगान 33 उपग्रह को प्रक्षेपित किया है। चीन ने एक रिमोट सेंसिंग उपग्रह यावगान 33 प्रक्षेपित किया। उपग्रह का प्रक्षेपण Long March 4C रॉकेट द्वारा किया गया। क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। प्रश्न है, हार्मोन्स का उदाहरण है? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कमेंट सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर आप टच कर देना। और बगल में बेल आइकन को भी टच करके ऑल नोटिफिकेशन ओपन कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।